हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा चैनल एमी स्वाद में। आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। मसाला भिंडी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है, स्वादिष्ट लगती है। तो चलिए तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मसाला भिंडी बनाने के लिए आधा किलो भिंडी ली है इस तरह की। तो यहाँ पे हमें भरवा भिंडी बनाने के लिए छोटी साइज की भिंडी चाहिए और मैंने इसे अच्छे से धो के पोंछ लिया है। कपड़े से हमें पोंछना है इसे, पानी नहीं रखना है इसके ऊपर। तो मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसे हम इसके दोनों साइड के इस तरह से एक किनारे निकाल देंगे दोनों साइड के, और बीच में से एक स्लिट लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से स्लिट लगाने के बाद हम इसे थोड़ा चेक कर लेंगे ताकि ये खराब ना निकले अंदर से। तो देखिए, ये भिंडी साफ है। इसी तरह हम सभी भिंडियों को काट लेंगे। अगर आपकी भिंडी थोड़ी बड़ी है तो आप इसे दो टुकड़े में भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, ज़्यादा बड़ी भिंडी रही तो इस तरह से काट सकते हैं और उसके बीच में से हम स्लिट लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो सभी भिंडियों को हम इसी तरह से बीच में से काट के उसे चेक कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे भिंडी को, सभी भिंडी को काट लिया है। ये देखिए, अब हम इसका स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक थाली ली है, उसमें मैं भुनी हुई मूँगफली की पाउडर लूँगी। तो एक बाउल मैंने यहाँ पे भुनी हुई मूँगफली की पाउडर ली है। इसमें मैं 2 चम्मच बेसन का आटा डालूँगी। यहाँ पे मैं 2 चम्मच बेसन का आटा डालूंगी, इससे भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसमें। अब मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो उसमें और मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच गोड़ा मसाला डालेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा 2 चम्मच तेल डालूंगी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी इसमें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे स्टफिंग के लिए मसाला तैयार कर लिया है, इसे अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब इसे हम भिंडी में भरेंगे। इस तरह से भिंडी लेंगे, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके भर देंगे और हल्के हाथों से दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से, इस तरह हम दबा देंगे सभी भिंडी को भर के। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालूंगी। आधा चम्मच सरसों डालूंगी इसमें। जब सरसों चटक जाए तो इसमें मैं 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी। जीरा अच्छे से लाल हो गया। अब मैं इसमें भिंडी को डाल दूंगी। गैस की फ्लेम को मैं लो टू मीडियम पर रखूंगी और इसे हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे। तो 7 से 8 मिनट में अच्छे से पक जाएगी। इस बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। इसमें मैं 1/2 नींबू का रस डालूंगी ताकि भिंडी चिपचिपी ना बने। एक बार इसे चला लेंगे। तो देखिए, 10 मिनट हो गए और यहाँ पे हमारे मसाला भिंडी बनके तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे हम।
तो देखिए ये हमारी मसाला भिंडी बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। जरूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।